Hi, this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना so that you can learn from their success and the struggles behind their journeys. Today we're going to meet Mr. Imtiaz Rafi Butt, Chairman and CEO of Rafi Group, one of Pakistan's leading real estate developers. He has been iconic in giving this country spectacular commercial structures and housing schemes. Hello sir, welcome to our show. Thank you. First of all, tell us something about yourself. Tell us about your journey. I already know it's very interesting, but obviously हमने अपने audiences को बताना है आपकी professional life का आगाज कहाँ से हुआ? जितनी इंसान मुश्किलातें से गुजरता है या जितना difficult childhood होता है या youth होता है, उतने ही probably interesting बन जाता है. बिल्कुल. If you are constantly wanting to be better and to progress, so I was one of them. I was unfortunate. My father died in an air crash when I was 2 months old, and he was India's largest surgical instruments ki industry, first Muslim banker in India. In 1936, at the age of 27, my father formed a bank, first Muslim bank, and was very close to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Aur mere walid ki bahut contributions thi Pakistan banane mein, but unfortunately they were not registered because he died in an air crash. Pakistan banne ke saal baad, Qaid-e-Azam ke 2 mahine ke baad, my father died. My mother put that ambition in me to be successful and to be productive. Padhai mein mera dil nahi lagta tha. Acha. Mujhe padhai school ki bahut chote parameters mein lagti thi. To iske liye I was not a good student in my school, so I was barely able to pass ye position. But jab main 24 saal ka hua to main America chale gaya job karne aur kuch dekhne, to wahan pe maine apne aap ko self help books ke sath educate kiya, because mujhe tab realize hua ki how little I know. To maine apne aap ko self educate kiya. Badkismati ye hoti hai ki school colleges mein आपको सब्जेक्ट्स तो पढ़ा देते हैं, बट आपको दो चार चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो कोई नहीं पढ़ाता. ये हाउ टू मेक मनी, हाउ टू डील विद पीपल, व्हिच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. व्हिच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु कुड बी वेरी सक्सेसफुल, बट पब्लिक डीलिंग उनकी इतनी ख़राब थी कि लोग उनकी टांगे खाएंगे. हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू अचीव थिंग्स, ये स्कूल नहीं पढ़ाता. मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि एवरी डे आई वांट टू लर्न समथिंग. तो व्हेन यू वेंट टू यूएस यू मस्ट बी वेरी यंग. आई वाज 24. व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक, क्या सीखा? ओह वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. आई वाज 24 एंड इन लाहौर आई सडनली रियलाइज्ड कि आई हैव वेस्टेड माय टाइम. मैंने पढ़ाई नहीं की, और सिंस आई डिडंट हैव माय फादर और एनीबॉडी, कोई मेरे पास सपोर्ट नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट कर ले जॉब के लिए. जॉब मैं करना नहीं चाहता था वैसे, कोई बिजनेस के लिए पैसे थे कोई नहीं. सो आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माय पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ 25 इयर्स. आई वाज वेरी नॉटी, आई वाज वेरी अग्रेसिव, आई वाज वेरी ऑन द गो, बट हेडलेसली, आई मीन विथ नो डायरेक्शन बट ऑन द गो. तो वो जब डिसअपॉइंटेड हुआ तो आई सोल्ड माई कार एंड टुक अ टिकट एंड वेंट टू अमेरिका. एंड वहाँ पे ना कुछ जानता था किसी से, ना कुछ तल्लक था किसी से, तो वहाँ पे फिर मैंने वेटरी की जॉब की. अच्छा. रेस्टोरेंट में वेटरी की जॉब की, 3 जगह पे जॉब की, तीनों से निकाला गया. उन्होंने निकाल दिया कि यू आर नॉट गुड एट इट. तो निकाल दिया एंड देन आई वेंट इन टू वो. बट वो साल के अंदर मैं अमेरिका का सिस्टम समझ गया, क्योंकि मेरी नज़र उधर थी. वेटरी में तो थी नहीं, वेटरी में तो था कि मैं किराया दे दूंगा या सर्वाइव कर लूंगा. तो वो साल में मैंने
अमेरिका का सिस्टम, हाउ अमेरिका फंक्शंस, इसका बिजनेस कैसे चलता है, क्या होता है. मैं जिनको सर्व कर रहा होता था, मैं उनसे ही बातें करके साल बाद देन आई वेंट इनटू कारपेट बिजनेस विदाउट मनी. किसी से मैंने कंसाइनमेंट ली उधार पे एंड आई सोल्ड. सो आई वेंट इनटू कारपेट बिजनेस इन अमेरिका एंड आई वाज क्वाइट सक्सेसफुल देयर. But since my mother was here and she was very lonely, so for her sake, I sacrificed America and came back to Pakistan. जब मैं पाकिस्तान वापस आया, that was 79. तो जैसे आपने बता रहे हैं आपके US में आपने jobs भी की हैं, फिर Oriental carpets, it's a very different business to jump into. तो जब पाकिस्तान वापस आए, तो पाकिस्तान वापस आने के बाद लैंड डेवलपमेंट रियल एस्टेट का रुझान कैसे डेवलप हुआ? हाउ डिड दैट हैपन? दैट वाज 79. ओके, ठीक है. तब मिडिल ईस्ट डेवलप हो रहा था, अर्ली 80s. तो मिडिल ईस्ट में आपके लेबर जा रही थी और काम करने लोग जा रहे थे. सो दे वर इन्वेस्टिंग इन लैंड. तो दैट वाज द फ्लो. सो आई सॉ रियल एस्टेट राइजिंग. यू वर फोरसाइटेड. या आई वाज. का ऑब्जर्वेंट हूँ, देखता रहता हूँ चीज़ों को. दैट इज़ माई हॉबी भी है, नेचर भी है. आई गॉट इन टू दैट एंड आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी शुरू की. तब होती थी दो मंजिलों की बिल्डिंग, तीन मंजिलों की बिल्डिंग. तो हॉल रोड था जहाँ से शुरू किया एंड देन फॉर 10 years एटलीस्ट 80s का पूरा दौर एंड 90s का वी वर लीडिंग इन रियल इस्टेट एंड इन टू द बिजनेस एंड so that's what made me go into real estate. आपके जितने भी projects हैं, ideas हैं, they were so ahead of their time. Innovative थे. For example, when you started building these high-rise tall buildings, there was no concept. उसके अलावा जो एक और चीज़ बड़ी interesting है, वो ये है कि farm housing का कहाँ से inspiration लिया आपने? Farm housing का वो भी अमेरिका का था कि you want. उस वक्त ये था कि मॉडल टाउन में या गुलबर्ग में एक कनाल के घर की कीमत जो थी वो मैंने ग्रीन एकर्स में रखी. एक कनाल के प्राइस की जगह पे 6 कनाल. सो यू हैड अ चॉइस के 20 मिनट्स की ड्राइव कर लूँ और 6 कनाल ले लूँ या यहाँ पे 1 कनाल ले लूँ. सो आई थॉट दैट विल वर्क. सो आई टुक माई चांस देयर. जब आप इस तरह के चांसेस लेने की तरफ बढ़ते थे, इर्द गिर्द अक्सर लोग डिस्करेज करते हैं, तो उसको कैसे फिर काउंटर करते थे? हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ डिटरमिन्ड कि नहीं, आई हैव माई साइट ऑन दिस एंड आई एम गोइंग टू डू इट. फिर उसमें क्या वो एक सेंस ऑफ ब्रेवरी चाहिए होती है करने के लिए? अनफॉर्चुनेटली डिस्करेज करने के लिए बहुत लोग होते हैं. जो पॉवर्टी में होते हैं ना, वो एक दूसरे का स्टिक करते हैं और उनमें से कोई चांस भी लेना चाहे तो उसको चांस नहीं लेना देते कि ये आगे ना निकल जाए. बिल्कुल. अच्छा, और उसको डराते हैं तो इसके लिए वो पॉवर्टी में रहते हैं. वो एक कहावत है, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर फॉल्ट. ये दुनिया इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ये मैं मानता ही नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है. हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी है. स्टार्ट ले और फिर उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके सेक्रीफाइस करें हर चीज टू अचीव दैट. कि शुरू से आपको ये पता था कि नहीं, मैंने एवेंचुअली एंटरप्रेन्योर या बिजनेस में ही जाना है. मैं जॉब में बिलीव नहीं करता. अच्छा. किसी जॉब में बिलीव नहीं. सही. नो मैटर जितना बड़ा जॉब भी हो, तो मैं समझता हूँ उस शख्स को उसने अपने आप को उस लिमिट में डाल दिया. बेशक सिक्योर जॉब है, अच्छा जॉब है, बड़ा जॉब, सही, मैं उसमें मैं नहीं बिलीव करता. मैं कहता हूँ अपनी रेडी लगा लो बट अपना काम करो, बिकॉज वो अनएंडिंग है. सही. सारी दुनिया में बिजनेस चल रहा होता है और 90% जो काम करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं. 10-15% होता है जो फेलियर रेट होता है बिजनेस में. लेकिन वो रिस्क टेकिंग जो एक फेयरलेसनेस होती है, हाउ डज वन इनकल्केट दैट? ये कोई हमें टिप बताए ना कि कैसे अपने आप को थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए. ठीक है. यू शुड नॉट जंप विदाउट कैलकुलेटिंग इट. और मैं बिलीवर हूँ कि आप ड्रीम यहाँ तक करें, हाईएस्ट नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ तो पहुंच जाएंगे. तो अगर आपने ड्रीम ही यहाँ की है तो दिस इज अ गुड एडवाइस. किधर जाना? अच्छा, कमिंग टू योर फादर, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, ही हैज एन इम्पेकेबल लेगेसी एंड ही हैड इन्फ्लुएंस एट दैट टाइम. और कायदे आजम से उनकी इतनी एक पर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप थी और आपने उनको हिस्ट्री में दोबारा से रीजनरेट किया, रिवाइव किया
और आपने बड़ा एफर्ट लगाया इस सब पे, तो इस पूरे प्रोसेस में जब आप अपने फादर को एक तरह से दोबारा से ढूंढ रहे थे, आपने कुछ ऐसा होगा जिससे आप इंस्पायर हुए होंगे अपने, क्योंकि आप उनको मिले तो नहीं, तो आपने उनको इसी तरह जाना, उस उनकी किसी ऐसी चीज़ से जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए और आपने लाइफ में उसको अप्लाई किया? मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट्स थे, बहुत इमोशनल मोमेंट्स। आई हैड द डिज़ायर टू नो माई फादर, माँ जो कहती थी। तो फिर मैंने 7 years विद अ फुल रिसर्च टीम, आर्काइव्स, लंदन की आर्काइव्स, इस्लामाबाद आर्काइव्स, न्यूयॉर्क आर्काइव्स, जहाँ जहाँ कायदे आज़म की रिकॉर्ड्स थे वहाँ गया टू फाइंड रफ़ी भट इन कायद्स, बिकॉज उनकी वैसे रफ़ी भट पे तो कुछ डॉक्यूमेंट्री था ही नहीं जी, इन दिस अखबारों में था तब आता था, बट उस वक्त तो 40 साल बाद तो कुछ नहीं था। सो मेरे लिए बड़ी इमोशनल टाइम होता था। मेरे दफ्तर में एक एक तस्वीर उनकी मुझे मिलती थी किसी से, तो वो मैं बड़ी करके फ्रेम लगाता था, तो आई वॉज लिविंग विद हैम, लिविंग विद हैम, एंड इट वॉज़ वेरी इमोशनल। एंड देन जब मैंने उनकी अचीवमेंट्स देखी, तो वो इज़ हार्ड टू बिलीव कि मैं डिप्रेस्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया अपने आप से। ही वाज सो वेल अचीव्ड फॉर हिम, मतलब मैं अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो गया कि मैं चली दे की करके दे, चार पैसे कमा के दे, चार पैसे कमा के थे, मैं समझना में बड़ा कुछ करता। उसकी स्टोरी सुनो, 16 साल पे उसका बाप मरा, माय ग्रैंडफादर। अच्छा अच्छा। प्लेग जिसे आजकल कोविड नहीं आई, तब प्लेग आई थी इंडिया में, ही डाइड एंड माय फादर वाज 16 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। He took over his father's small little workshop with 16 people. Surgicals bana raha tha mera dada. He took over. By the age of 26, Rafi Bhatt had the largest surgical industry in India, Lahore mein lagai. 27 years age pe Rafi Bhatt pehla Muslim banker bank banaya. 29 years age pe Qaid-e Azam ko mile aur Qaid-e Azam ke saath वो उनकी रुकावट हुई, एंड देन ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ कायदे आज़म टू मेक पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया। अच्छा, रफ़ी भट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया था जी। अब पाकिस्तान उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट के खिलाफ था, बिकॉज उसका बिजनेस तो इंडिया में थे, बट ही वेंट विद कायद, मेड पाकिस्तान विद कायद, एंड अनफॉर्चुनेटली डाइड 2 months आफ्टर कायद इन एन एयर क्रैश। इस पूरे प्रोसेस में आपने कायदे आज़म को भी बहुत और तरह से जाना होगा, और उनकी जो लेटर्स एक्सचेंज होते थे आपके फादर के साथ उनके, तो कायदे आज़म की कोई ऐसी बात उन लेटर्स में या उस रिसर्च में जो आपने पिक की हो और आपको लगा हो कि मैंने अपने बिजनेस में वो अप्लाई की या अपनी लाइफ में वो अप्लाई की, ऐसा कुछ जो आपने? कायदे आज़म वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड अ वेल्दी मैन। लोग उनके बारे ये कम कहते हैं कि ही वॉज अ, और मैं कहता हूँ ही वॉज अ वेरी वेल्दी मैन। बॉम्बे में उनका इतना खूबसूरत बड़ा घर, लाहौर में जहाँ कोर कमांडर रहता है ये उन्होंने लाहौर में अपना घर खरीदा, कराची में जो जिना म्यूजियम बना हुआ है वो उनका, एंड एज अ लॉयर ही मेड लॉट ऑफ मनी, ही वॉज अ रिच मैन एंड इट वॉज क्लीन मनी। हिज सेक्रीफाइस टू मेक पाकिस्तान, हिज डिटर्मिनेशन, हिज डेडिकेशन, और उसका प्रिंसिपल्ड होना जितना है, ये जेन्युइनली बताऊं कि लीडर्स में कम होता है, दुनिया के लीडर्स में कम होता है, और ये उनका ही था करना कि पाकिस्तान मिला, और आज हम लोग सारे यहाँ पे बेशक जितना भी हम गुरबत समझें या बैकवर्डनेस समझें, हम 1000 times बेटर हैं अगर इंडिया में हम नीचे दबे होते। तो कायदे आज़म की तो जो कुछ उन्होंने कहा है, लिखा है, वो आज की गवर्नमेंट भी फॉलो करे तो दे हैव नो अदर डायरेक्शन टू टेक बट जिना डायरेक्शन। सो बाप को ढूंढते मैंने जिना को ढूंढा, जिना को ढूंढते मुझे पाकिस्तान में मिला। सो फॉर मी दिस पाकिस्तान इज नॉट अ पाकिस्तान विच वुड बी फॉर अ नॉर्मल पर्सन। अगर मैं भी ये रिसर्च ना करता, उसका रफ़ी भट का बेटा ना होता, मैं तो अमेरिका रहना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता था। और अब आपका कितना एक पर्सनल और स्ट्रॉन्ग टोटल सो पाकिस्तान इज माय लाइफ, माय वर्ल्ड। पिछले एक साल से हम लोग सब कोविड में, तो आपके जो वेंचर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट हुए हैं, कैसे आपने इसको डील किया है? तो वो भी इस तरह ही है जिसने दुनिया का हुआ, सारे बिजनेसेस फ्रीज हैं, खुद किया है जो भी आपने किया। तो इस सारे स्ट्रगल में और इस सारे प्रोसेस में अपने आप को
मोटिवेटेड कैसे रखते थे? मैंने जब लाइफ स्टार्ट की ना, तो एक चीज पे मैं बहुत फोकस था, जो सक्सेस करता है वो फेलियर भी करता है, फेलियर से ना डरे। सो यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, ऑल अलोन, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं थी, खुद किया जो भी आपने किया, तो इस सारे स्ट्रगल में और इस सारे प्रोसेस में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? डेफिनेटली ऐसे दिन आते होंगे जिसमें इंसान बहुत डिप्रेस हो जाता है। बहुत आते हैं, और एक तो आप फेलियर से ना डरें। जो सक्सेस करता है वो फेलियर भी करता है, फेलियर्स होते हैं, फेलियर से सीखते हैं। मैंने जब लाइफ स्टार्ट की ना, तो एक चीज़ पे मैं बहुत फोकस था कि मैं फ्रीडम में रहना चाहता था, और फ्रीडम मेरी नज़र में वो है कि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। और ये मुझे पता था कि पैसा होगा तो ये होगा, सही, बिल्कुल, अदरवाइज लिमिटेशंस आ जाएंगे। दैट इज व्हाई आई वेंट आफ्टर मनी, टू मेक मनी, टू बी फ्री। तो फ्रीडम आ गई। आपका बेसिकली आई थिंक योर एंड गोल वाज द वन जो आपको मोटिवेटेड रखता था, मैंने अपने एंड गोल पे पहुंचना है। तो जैसे हमने इन पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो लैंड है, रियल एस्टेट है, उसने काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड भी देखा है। उसके अलावा भी आपके जो प्रोजेक्ट्स होते होंगे, कभी होता है कि इंसान जैसे सोच रहा होता है ऐसी चीज़ें नहीं पैन आउट करती, तो इस तरह के जब कोई डाउनवर्ड ट्रेंड्स हों या चीज़ें आपके मुताबिक ना जा रही हों, तो हाउ डू यू हैंडल दोज टाइम्स, और उसमें क्या आपका? देखिए, मेरी जो सेफ्टी नेट है ना अपने आप में, वो ये है कि आई एम नॉट टू ग्रीडी फॉर मनी, नंबर वन, ये सेफ्टी नेट। अगर काम मेरा नहीं भी ठीक कोई चल रहा, प्रोजेक्ट को ख़राब भी हो गया, तो अगर मेरी लिविंग स्टाइल में फ़र्क नहीं आया, तो इट डजंट बॉदर मी। ठीक, चलो ये ख़राब हो गया, दूसरा ठीक हो जाएगा। किसी से मुकाबला नहीं है, किसी से कोई ऐसी बात नहीं है। और चौथी चीज़ ये मैं बताऊं कि मैं इसका भी बिलीवर नहीं हूँ कि अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा दे के चले जाओ। मैं उनको कहता रहता हूँ कि उनके पास उतना होना चाहिए कि दे स्टिल हैव द एंबिशन टू वर्क, एंड दैट्स माय टू सन्स आर वर्किंग विद मी। तो मैं उनको ये कहता रहता हूँ, उन मेरे वक्त के खर्चे में दे, तुसी काम करो। डेफिनेटली लाइफ को एक्चुअली गौर से देखना होता है, एंड फिर अपने अपना टेम्परमेंट देखना होता है, अपना माइंड देखना होता है, और अपनी ख्वाहिशें, फिर यू आर अ हैप्पी पर्सन। सो बेसिकली अप्रोच टू लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब उसके अप्रोच टू लाइफ की जहाँ बात हो रही है, पिछले एक साल से हम लोग सब कोविड में स्टक हैं, एंड एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, बी इट इट्स स्मॉल और बिग, सब इम्पैक्ट हुए हैं। तो आपके जो वेंचर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट हुए हैं, कैसे आपने इसको डील किया है, थोड़ा सा हमें इस पर बताएं। वो भी इस तरह ही है जिसने दुनिया का हुआ, हमारे भी एक साल एक महीना हो गया कोविड को आया हुआ, सारे बिजनेसेस फ्रीज हैं, मींस वहाँ ही खड़े हैं। हाँ जी, यू कांट पुश देम, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट देम, दे आर स्टैंडिंग देयर। सो जब वो स्टैंडिंग देयर है, तो उसका मतलब है बिजनेस हाउस इज गोइंग माइनस। सही, बिल्कुल माइनस में जा रहा है ना जी। तो वो आगे तो चल नहीं रहा काम, माइनस में जा रहा है। तो ये साल सवा साल माइनस में है। मैं बहुत बहुत सर्टन हूँ कि जिस तरह कोविड ख़त्म होती है बाय द मिडल ऑफ दिस ईयर 2021, तो वैक्सीन आ गई है, और वैसे भी इट हैज़ टू फिनिश, तो पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ गोइंग टू डू वंडर्स। मैं व्यूअर्स को ये जरूर कहना चाहूँगा कि हैव वेरी हाई होप्स कि जिस तरह कोविड ख़त्म होती है, योर इकॉनमी इज़ गोइंग टू बूस्ट। आज भी टेक्सटाइल फुल फ्लेज चल रही है। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी दैट वी नीड एट दिस टाइम। बट यू हैव टू थिंक, उसी होता ही है कि डिप्रेशन, आपके माइंड में हल्का सा डिप्रेशन आया ना, तो माइंड बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, वो इतना बढ़ा देता है डिप्रेशन को, तो आप कहते मैं छाल ही मार के चले जाऊँ, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। कभी टाइम सदा नहीं रहता, ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा, और ये आपको बेहतर बना के जाएगा। You have a line of successful projects, and जिसमें जिनको भी mention किया जाए वो कम है। You are
on a league on your own, but abhi currently koi aise projects which are close to your heart jin pe aap kaam kar rahe ho uske bare mein thoda sa bataye, Gwadar mein kya chal raha hai thoda sa wo hame. Ek cheez main badi pride se kahunga ki I've been in this business for 40 years and all our projects are fully developed and handed over and completed. Okay. ये बहुत बड़ी, बहुत कम developers हैं जिनकी 100% delivery है और उन्होंने chapter को बंद कर लिया. हमारे सारे projects completed हैं, delivered हैं and we don't have a single client who has any problem with us. दूसरा इस वक्त ग्वादर है और वहाँ पे green palm है हमारा. It's the largest private development project in Gwadar. Okay. Largest. ठीक. It's huge and it is a city by itself in the making. So वहाँ पे hospitals भी हैं, schools भी हैं, सारा कुछ है. नहीं होंगे और अभी तो infrastructure बन रहा है. मैं समझता हूँ ग्वादर पाकिस्तान का एक dream place है. A beautiful city for tourism, a beautiful city to look at and very much unexplored. Unexplored. नहीं, पाकिस्तान flights नहीं गई ना तो साल डेढ़ साल तक जब डायरेक्ट फ्लाइट्स जाएंगे तो फिर सब लोग जाएंगे तो इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. बट आप तस्वीरें देखें तो बड़ा मज़ा आता है. जैसे आपका बिजनेस है इट्स स्प्रेड आउट ऑल ओवर द कंट्री और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट भी चाहिए होती होगी, तो हाउ डू यू मैनेज कि आप हर चीज़ में इन्वॉल्व भी हों और जनरली आपका मैनेजमेंट स्टाइल किस तरह का है, कैसे हैं लीडरशिप स्टाइल वाइज, कैसे हैं आप? लीडरशिप ठीक है, bad manager rahu. Always been a bad manager. I'm being honest. Why do you say so? Why do you feel that? Bad manager isna kehta hu ki main details mein kam jata rahu, keh lo kafi lachak de deta hu management ko, so people at times take advantage of that. Wo apni jagah pe hai. So in that way I'm a bad manager. Vision rahi hai aur chalta raha hai. अब आई हैव टू सन्स हु आर इन टू द बिजनेस एंड दे आर इन देयर अर्ली 30s एंड आई हैव अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम देम. सो दे आर माइक्रो मैनेजिंग एवरीथिंग. सो आई ओनली स्टे इन ब्रॉड स्ट्रोक्स. अच्छा, तो थोड़ा सा हमें ये बताएं, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द यंग प्रोफेशनल्स, व्हेन यू आर लेट्स से हायरिंग समवन या किसी को एक पहला इम्प्रेशन होता है ना, कोई आया है फॉर अ जॉब और फॉर सम अपॉर्चुनिटी, ऐसी क्या वो दो तीन चीज़ें होनी चाहिए एक यंग प्रोफेशनल में जो अट्रैक्ट करती है एक कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को कि हम इसको हायर कर लें? वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एटलीस्ट आपकी अटेंशन कैच करती हैं? देखो, मैं बिलीवर हूँ कि इस दुनिया में ना 30% लोग मेंटली डिसऑर्डर्ड है. 100 में से 30 लोगों का मेंटल इम्बैलेंस है. मेंटल इम्बैलेंस इस तरह कहूँगा, नहीं कहूँगा पागल है, मतलब गुस्से वाला है जी. चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लेगा या कर लेगी, जेलसी होगी, एंगर होगा. तो 30% लोग तो मेंटली डिसऑर्डर्ड है. तो मैं पहले वो चीज़ देख रहा था कि डिसऑर्डर्ड तो नहीं आ गया, बिकॉज डिसऑर्डर्ड जो है वो ठीक नहीं होता. तो 30% तो वो है, उससे बचो, बिकॉज उससे दूर ही रहो तो बेहतर है, बिकॉज आप ना उसकी मदद कर सकते हैं, हाँ जी, ना आपको समझा सकते हैं. ठीक. बाकी रह गया 70%. 70% में आप, व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज हाउ एम्बिशियस द पर्सन इज ओके टू वर्क एंड डिग्निफाइड कितना है और ऑनरेबल कितना है. हमें, यू डोंट हैव टू हैव मनी टू बी ऑनरेबल, यू कैन बी अ पुअर मैन बट वेरी ऑनरेबल. और फिर जिस काम के लिए आप उसको हायर कर रहे हैं उसकी, उसके पास स्किल्स हैं या नहीं. अच्छा, वी डिस्कस्ड क्वाइट ऑफ योर स्ट्रगल्स और आपकी पूरी एक जो रही है ट्रैक रहा है. इवेंचुअली जब आपने अपने इनिशियल सक्सेसेस देखे होंगे, जब आपको लगना शुरू होगा कि अब यू नो थिंग्स आर नाउ वर्किंग माय वे, तो डेफिनेटली आई थिंक ह्यूमन नेचर होती है, इंसान कभी कैरिड अवे हो जाता है. आप अपने आप को कैसे एक तो ग्राउंडेड रखते थे, कैसे आगे के लिए मोटिवेटेड रखते थे? हाउ डिड यू टैकल दैट फेज? मैं भी हवा में उड़ जाता था, ग्राउंडेड नहीं होता था. आई डिड लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन लाइफ एंड मैं समझता हूँ मिस्टेक्स की हैं तो चीज़ें आगे गई. बाय मिस्टेक्स मीन्स रॉन्ग डिसीजंस एट टाइम्स, तो वो होती हैं. बट घबराओ ना. आई थिंक द जिस चीज़ ने मुझे बचा ही रखा है वो ये है कि
मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं गया. आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ. एंड टू मी लाइफ एक होती है, जितना आप उसको अच्छा कर लो, जितना आप भरपूर कर लो, उतना ही उसका मजा है और रिग्रेट ना हो. अच्छा, सो यू आर वेरी वेरी पैशनेट व्हेन इट कम्स टू योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक जिसे हम CSR कहते हैं. जिना रफ़ी फाउंडेशन आपने बनाया, उसके अलावा आपका स्कूल है विच प्रोवाइड्स एजुकेशन टू अंडरप्रिविलेज चिल्ड्रन. तो क्या विजन थी इन इस फाउंडेशन को लेके, आपकी क्या विजन है कि ये सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रही है और आने वाले वक्तों में करे? आई गेट ग्रेट प्लेजर ऑफ हेल्पिंग पीपल, अंडरप्रिविलेज्ड को, सीइंग देम हैप्पियर. क्योंकि अल्लाह माफ़ी दे, गुर्बत बहुत बुरी चीज़ होती है. वहाँ पे आई लाइक टू हेल्प एंड मुझे खुशी मिलती है. बाकी आई बिलीव एंड आई फील कि ये सोशल वेलफेयर में I could do a lot more than I've done, but jitna apni range mein aata hai, I try. That is also good enough. You have a school which is up and running. Pura wo bachon ko unka pura expense uthta hai wahan pe, to which is great. Land development, real estate is an industry on its own. तो उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज किस टाइप की अब के वक्त के लिहाज से आपके नज़रिए में क्या होनी चाहिए, किस तरह से मार्केट करना चाहिए जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं जो इस फील्ड में हैं या आना चाह रहे हैं, तो उस बारे में? देखिए, रियल एस्टेट में पिछले 3-4-5 साल में बहुत इनोवेशंस आई हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है. हमारे ज़माने में 20-30 साल पहले तो इसमें कोई प्रोफेशनल होता ही नहीं था, खुद ही करना पड़ता था. अब एडवर्टाइजिंग वाले भी आ गए हैं, मार्केटिंग वाले भी आ गए हैं और आला से आला कर रहे हैं. दुबई को फॉलो कर रहे हैं, दुबई का स्टैंडर्ड है, दुबई का या यूरोप अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पर चीज़ें बन रही हैं. सो रियल एस्टेट में काफ़ी जान आई है. फिर ये गवर्नमेंट जो है इमरान खान की, ये बहुत प्रो कंस्ट्रक्शन है. हाँ जी, बहुत प्रो कंस्ट्रक्शन. इससे पहले इसको नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन प्रोडक्टिव कहा जाता था बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज नहीं करता. बट इमरान खान हैज़ डन इट, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया. सो आई थिंक रियल एस्टेट बहुत बेहतर होगी, इसकी फेस चेंजिंग होगी और जितनी भी जो भी प्राइस है आज रियल एस्टेट की पूरे पाकिस्तान में, ये जंप करेगी साल के अंदर. जो मैं कह रहा हूँ कि कोविड के बाद मार्केट ने चलना है तो ये सारा रियल एस्टेट की तरफ चलना है. सो आई वुड एडवाइज पीपल टू बाय रियल एस्टेट. This is the time to buy real estate. Okay. In the next 5-6 months before it jumps. जब jump करेगी तो फिर पकड़ी नहीं जाएगी, फिर the price will go up. Now is the time. Now is the time. जहाँ चीज़ उसको अच्छी मिलती है या सस्ती मिलती है वो ले ले. He will make money within a year. He will almost double his money. ये time है. One such difficult decision जो आपने लिया हो. नज़र, खबर, फिर सबर. एक नटशेल में बताएं कि आपको पूरी जर्नी से आपने अपनी अभी तक यंग एज से अब तक क्या सीखा जो आप बाकियों से शेयर करें. एक तो हसरत ना करें, हसरत ना करें, किसी से कंपीट ना करें. What is your opinion on the involvement of females in the workforce? और आपकी organizations में कितनी equal opportunity जो है वो female workforce को दी जाती है? I get very happy when I see female working. मैं अभी कई दफ़ा इस्लामाबाद जाता हूँ और रास्ते में KFC या McDonald's में खड़ा हो जाऊँ लेने, तो वहाँ पर females काम कर रही होती हैं. It makes me feel very happy. Okay. Very happy. के दे आर वर्किंग. आई प्रमोट दैट, आई सपोर्ट दैट. और दफ्तर में मेरी कोशिश होती है कि फीमेल्स को हायर करें. जहाँ फीमेल बैठी होती है उस जगह का माहौल बेहतर हो जाता है, बेहतर हो जाता है. एंड थर्डली दे आर मोर ऑनेस्ट वर्कर्स. एंड क्योंकि फीमेल मोर पर्टिकुलर होती है. सो टेल अस अबाउट वन सच डिफिकल्ट डिसीजन जो आपने अपने
प्रोफेशन में, अपनी बिजनेस लाइफ में कोई एक ऐसा बड़ा मुश्किल डिसीजन हो जो आपने लिया हो, बड़े भारी दिल से लिया हो, या आप ना लेना चाहते हो बट आपने लिया हो, ऐसे कोई? मैं मेंशन नहीं कर सकूंगा बिकॉज बहुत डिसीजंस होते हैं उस वक्त, डिफ़िकल्ट लगते हैं, डिफ़िकल्ट हार्ट के साथ लेता है बंदा, कभी वो ठीक हो जाता है, कभी ठीक नहीं होता। बट मैं कैलकुलेट ज़रूर करता हूँ बिफोर आई टेक अ डिसीजन। जी, तो कैलकुलेशन मींस इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। वो कहते हैं कि नज़र, खबर पे सबर, ये है तीन। नज़र, आपको नज़र होनी चाहिए बिजनेस में, खबर इंफॉर्मेशन, फिर सबर पेशेंस, दौड़ना पड़ना। हाँ जी, सबर, ये तीन है एग्जांपल बिजनेस। दिस इज अ ग्रेट टिप एंड एन एडवाइस एज वेल। और गुस्सा जो है वो आता है आपको, अगर आए गुस्सा तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? आई यूज्ड टू बी अ एंग्री बॉय। बाय एंग्री बॉय मींस आई कुड गेट एंग्री वेरी क्विकली, फ्लेयर अप हो जाते थे इन माय टीन्स एंड अर्ली 20s। जब मैं अमेरिका गया तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम सेल्फ हेल्प बुक ऑफ एंगर, और एंगर से बुरी चीज है ही कोई नहीं। बिकॉज क्या कहते हैं आप, जब व्हेन यू एंग्री यू से आई एम मैड, आई एम एंग्री, आई हैव गॉन मैड, तो आप तो कमिट कर रहे हैं मैं मैड हो गया हूँ। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट चीज आपने करनी है वो भी गलत करनी है। बिल्कुल। सो गुस्सा जस्टिफाई करके तो पी जाना चाहिए, सही, फॉरगो कर देना चाहिए। आई डोंट गेट एंग्री फॉर मे बी 30-40 इयर्स, बट यू लर्नड इट ओवर द टाइम। आई लर्नड इट, आई, एंड द अदर थिंग व्हिच डजंट मेक मी गेट एंग्री, अगर किसी ने गलत चीज भी की है तो आई, व्हेन आई एम टॉकिंग टू द पर्सन, आई पुट माय सेल्फ इन हिज शूज, एम्पैथी करते हैं, एंड देन दैट्स फॉरगिविंग। तो एंगर नहीं मेरे में है ही नहीं। That's good for yourself as well. My very much for myself. A happy person, no anger. I have obviously gauged that you have a thing for reading books and all. तो कोई ऐसी दो तीन किताबें जो आप हमारे viewers को suggest करना चाहें? वही Wayne Dyer की Your Erroneous Zone was one of the best book. फिर Rich Dad Poor Dad एक किताब है, Rich Dad Poor Dad बड़ी मज़ा किताब है। लर्न, गो टू दोज एरियाज, दोज पीपल, आज तो खैर वीडियो में मिल जाती है, जो कोई अक्ल की बात कर रहा हो और आप सीख सकें, आपकी आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, तो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस, कैसे बैलेंस रखते हैं अभी भी और पहले भी जब आप काम का ज़्यादा बर्डन देख रहे थे, हाउ वुड यू कीप अ बैलेंस? जिस तरह लोग बच्चों को ज़्यादा देते हैं टाइम या बीवियों को ज़्यादा देते हैं टाइम, वो मैंने नहीं किया ज़्यादा। अच्छा। वो आई मिस दैट बिकॉज आई थॉट कि ये जब ठीक हो जाएगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो। बट डू यू रिग्रेट दैट समटाइम? नो, आई डोंट रिग्रेट, बिकॉज हैड आई लिसन टू माई वाइफ और वाइफ्स, आई वुड हैव नॉट बीन व्हाट आई एम। You've achieved what you wanted. I would have not been what I am. For you, in a nutshell, in a very summarized way, what is the idea of happiness? Idea of happiness to me is when you don't have any fear in you. आपकी जो हॉबी है, जो आप उस वक्त करना चाहते हैं, वो आपको happiness देती है, आप वो करें। दो। Third, helping people or guiding them or making them feel better is my happiness. मैं जब रिसर्च कर रहा था अपने बाप पे, तो एक गवर्नमेंट कॉलेज का पुराना प्रिंसिपल होता था पार्टीशन के टाइम पे, इशवाक अहमद खान, तो मैं उसको रिसर्च करने गया, वो उस वक्त 85-90 का था। अच्छा। तो जब उसका इंटरव्यू किया तो वो मुझे छोड़ने गया, गाड़ी तक वॉक की, ही वॉज अबाउट 90 वॉक की, तो मेरे शोल्डर पे हाथ रख के उसने मुझे कहा, बुढ़ापे का बड़ा मज़ा। अच्छा। खान साहब वो कदम मजा कहता, ना खौफ है ना लालच, तो हैप्पीनेस इसको कहते हैं, अंदर से यू फील क्लीन एयर, और आपका ज़मीर जो है, आपका सेल्फ कॉन्शियस जो है वो क्लियर हो, अदरवाइज नहीं। सो व्हेनेवर यू फेसिंग अ स्ट्रेस, मे बी पर्सनल और प्रोफेशनल, तो व्हाट इज योर कोपिंग मैकेनिज्म, कैसे उससे ब्रेकआउट करते हैं? एक तो आई हैव अ हॉबी एंड दैट I think I enjoy doing is swimming. Okay. ठीक?
तो मैं ईयर राउंड स्विम करता हूँ. अच्छा. और आप जब पानी में जाते हैं तो पानी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग. एंड देन सेकेंडली, एज आई सेड, आई डोंट गेट एंग्री. सो वंस यू डोंट गेट एंग्री, यू डोंट लूज योर माइंड. वंस यू डोंट लूज योर माइंड, वो जो स्ट्रेस है उसको बंदा उस कंपार्टमेंट में डील कर लेता है, कंटेल कर लेता है और डील कर लेता है. ये हमें बताएं कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस एज वेल, व्हाट हैज योर जर्नी जनरली हैज टॉट यू, अगर एक नटशेल में बताएं कि आपको पूरी जर्नी से आपने अपनी अभी तक यंग एज से अब तक क्या सीखा जो आप बाकियों से शेयर करें. एक तो हसरत ना करें, हसरत ना करें, किसी से कम्पीट ना करें कि मैंने इससे बेहतर होना है या ऐसे नहीं होना. अपने आप के साथ कम्पीट करो. डेफिनेटली इम्प्रूव योर ओन सेल्फ. डेफिनेटली नॉट कि मैं इससे होना या उससे नहीं. हाँ, आज जो मैं हूँ कल मुझे इससे बेहतर होना चाहिए. थर्ड, हारमोनियस होना चाहिए. और चौथी चीज़ इम्पॉर्टेंट, पैसे से मार नहीं खानी चाहिए. वो बड़ी जिल्लत होती है जब बंदा पैसे से मार खाता, वो फिर अपनी इंडिपेंडेंस भी खो बैठता है. डिपेंड, ज़्यादा पैसा कम पैसे की बात नहीं कर रहा, आपकी रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट है उससे बंदे को स्टेबल होना चाहिए. बिकॉज वो जब अनस्टेबल होता है तो आपकी इज्जत भी ख़राब होती है, आप तंग भी होते हैं, आपकी नींद भी उड़ी होती है, सब कुछ किया होता है. तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए. जो मैं पहले कह रहा था, हर चीज़ सेक्रीफाइस करके अपने आप को सिक्योर कर लो कि आपकी लाइफ इंडिपेंडेंस हो सके. अदरवाइज तो घर से शुरू हो जाते हैं जूते बने. On an ending note, I would want you to give a message or an advice to all the young professionals, entrepreneurs, especially those जो real estate में आना चाहते हैं, aspire करते हैं, तो उनके लिए आप कोई ऐसी advice या message दें जो उनको help out करे. This is the best time in Pakistan to enter real estate and real estate affiliated businesses like marketing and advertising and sales. Real estate ke sath 42 businesses hain attached. This is the best time because 4 saal se market dead rahi hai, niche rahi hai, isne upar jana hai. People are going to make money. CPAC is once in a lifetime. Koi mulk itna khushkismat ho ke ek super power usko सपोर्ट खाली नहीं कर रही, उसको सब कुछ दे रही है अपनी ज़रूरत के लिए, चाइना की ज़रूरत के लिए. एंड $70 billion की उनकी वादा है, 30-35 billion आ चुका हुआ है, बाकी आ रहा है और आएगा. सो दिस इज़ द टाइम यू शुड लुक इनटू रियल एस्टेट. और दूसरी बात है, ये कोरोना जो हुआ इसकी डिप्रेशन, इससे पहले 3 साल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डिप्रेशन, ये इंशाल्लाह सारा कुछ जब ठीक होगा तो हम सारे जो बैठे यहाँ पे हैं तो हमारी फील ही फ़र्क होगी, ज़ेहन ही फ़र्क होगा और सिक्योर भी फ़र्क होंगे. सो आई थिंक ब्राइट टाइम इज़ कमिंग. और कहते हैं बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त होता है, अच्छे वक्त के बाद फिर बुरा वक्त आता है, ये हमेशा है. तो हम ये मुल्क बहुत बुरे वक्त से गुजरा है इकनॉमिकली, अब अच्छा वक्त आ रहा है. एंड और प्रोफेशनलिज्म में पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स हैं, बिलीव मी दे आर नो लेस देन एनीबॉडी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम. इट वाज अ वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशन. हमने बहुत सीखा, हमारी ऑडियंसेस बहुत सीखेंगी. बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है एंड ऑल द एडवाइसेस दैट यू गेव, दे विल डेफिनेटली स्टे विद मी एंड विद आवर ऑडियंसेस. आई एम ग्लैड यू एंजॉयड इट एंड आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू. सो दिस वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन वी हैड विद मिस्टर इम्तियाज रफी भट्ट. फॉर मोर सच कॉन्वर्सेशंस कीप ऑन वॉचिंग आवर शो मीट द सीईओ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान.